Assalamu alaikum students, I hope all of you will be fine and safe. In the previous lecture we discussed about the logarithms. In this lecture we will discuss some more points which are very important. Okay, now we start logarithm. I told you logarithm, log means a tool, an operator, a method used to find the problems of the arithmetic math. You should be clear about arithmetic math. Arithmetic math, study of numbers in which the basic arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and divisions are done with the numbers to tackle them. Okay. Logarithmic, I told you that in the previous lecture that logarithm and exponential forms are interconvertible. They show the same statement, and in maths you can say that they are inverse of each other. Okay? Or exponential forms can be converted into logarithmic form, and logarithmic forms can be converted into exponential forms. Let's exponential form can be converted if and only if का sign इसे यही show करता है कि दोनों sides को आप जो है वो this implies this one and this implies this one. ठीक है, इसको हम if and only if बोलते हैं. exponential form and logarithmic form. ठीक है, these forms are interconvertible. ठीक है, one can be converted into other and this one can be converted into the exponential form. ठीक है, now let's see general. अगर मैं कोई relation लिखूँ exponential form का general relation लिखूँ तो let's suppose ax is equal to y. ठीक है, और इसी को अगर मैं logarithmic form में लिखूँ तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, log of y to the base a is equal to x. यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए एक्स इज इक्वल टू वाई, लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या बन जाता है, लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, आपको पता है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए इज कंसीडर्ड बेस, एक्स कंसीडर्ड एक्सपोनेंट और इंडेक्स और पावर एंड वाई इज अ नंबर. ठीक हो गया, एंड इन लॉगरिथमिक फॉर्म y सेम नेमिंग होती है. ठीक है, ये y नंबर होगा, a बेस के तौर पे बिहेव करेगा और x जो है वो एक्सपोनेंट के तौर पे बिहेव करेगा. ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग होगा, log का नंबर का log, उसका क्या मीनिंग है कि log of y टू द बेस a is the power to which a is raised to get the number y. ठीक है, ये आपको ये जर्नल में क्योंकि बता रही हूँ, अभी जब हम कोई एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो मुझे पता है कि a रेज टू पार x इज इक्वल टू y. लेट्स सपोज 2 रेज टू पार 2 इज इक्वल टू 4. तो इस केस में क्या हो जाएगा कि log ऑफ 4 टू द बेस 2 इज द पार टू विच a टू विच द पार 2 इज रेज टू गेट द नंबर 4. ठीक है, यानी कि जो आपकी बेस 2 है 2 को मैं कितना रेस करूं, किस पार तक रेस करूं कि वो नंबर 4 बन जाए. ठीक है, यही हमें इंफॉर्मेशन ये दे रहा होता है. ठीक है, अच्छा अब इन दोनों की क्यों हमें जरूरत पड़ती है ये मैं आपको जरा थोड़ा सा एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, लेकिन पहले लॉग पे कुछ कंडीशंस होती हैं, आपकी बुक में वो कंडीशन जरूर मेंशन होंगे. ठीक है ना, कंडीशन क्या होती है कि कंडीशन आपकी ये होती है कि a जो है वो हमेशा ग्रेटर, आपकी बेस का बेस जो होती है, ठीक है ना, बेस हमेशा ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए.
ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ये आपकी लॉगरिथम पे कंडीशंस होती है कि बेस आपकी हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी यहाँ पे बेस आपकी ग्रेटर देन 0 और शुड नॉट बी इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। यानी 0 बेस के साथ और 1 बेस के साथ लॉगरिथम को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक हो गया। यानी आपकी बेस अदर देन दिस नंबर्स होनी चाहिए, ये आपकी बुक पे भी लिखा होगा। और दूसरी कंडीशन है कि वाई को, वाई हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, वाई क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हम ये कंडीशंस जो हैं, ये कंडीशंस जो हैं, ये लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए, किस फॉर्म के लिए, लॉगरिथमिक फॉर्म में, जब हम लॉग में, लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए, मैंने इस साइड पे लिख दी है ये, ठीक है। ये कंडीशंस लॉगरिथमिक फॉर्म पे, और जहाँ पे भी लॉग लिखा होगा, यानी लेट्स सपोज यहाँ पे लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स लिखा है, तो इसके साथ ये कंडीशंस मेंशन होगी कि ए ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 एंड वाई ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी वाई एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा और लॉग की जो बेस है वो 0 और 1 नहीं होगी, अदर देन दीस नंबर्स ही हो सकती, ठीक हो गया। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और पॉजिटिव नंबर में कौन सा नंबर नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, ठीक है। वाई के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि वाई ग्रेटर देन 0 होगा, वाई रियल नंबर होगा, ठीक है, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि आपका जो है आंसर जो है नेगेटिव के नंबर्स पे। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि नेगेटिव रियल नंबर्स पे, नेगेटिव रियल नंबर्स पे लॉग इज नॉट डिफाइंड, लॉग इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। जो पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, कौन से होते हैं, के रियल वैल्यू नंबर्स, रियल वैल्यू वही नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते। आप चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लॉग जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स पे डिफाइंड है और नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स पे ये डिफाइंड नहीं है एट योर स्टेज, इट इज़ रिटन इन योर बुक ऑल्सो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें इन दोनों फॉर्म्स की ज़रूरत कब पड़ सकती है। ज़रूरत हमें इनकी पड़ सकती है कि जैसे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से क्लियर करती हूँ, ठीक है, एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करती हूँ थोड़ा सा, कि लेट्स सपोज, अच्छा इसमें एक और बात भी है जो कि बतानी बहुत ज़रूरी है कि लॉग जो हमारे पास अवेलेबल है, लॉग का टेबल अभी जो हमारे पास अवेलेबल है उसकी हमेशा बेस 10 होती है, ठीक है। लॉग का टेबल जो हमारे पास अवेलेबल है उसकी बेस 10 होती है और उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है। एक लॉग का टेबल जो है वो लॉग बाई सी के साथ अवेलेबल है, उसे हम नेचुरल लॉग कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, बेस ई, यानी लॉग ऑफ बेस ई के साथ जो होता है उसे हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, ठीक है, उसे हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, नेचुरल लॉग। ई की जो पावर है वो 2.7 समथिंग आई थिंक होती है, ठीक है ना। और जो लॉग बेस 10 के साथ होता है उसे हम कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम। आपकी बुक पे एंड पे जो टेबल गिवन है वो सारा कंस्ट्रक्टेड किया गया है विद बेस 10, और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपकी बुक में जहाँ पे भी क्वेश्चन लॉग का लिखा होगा वहाँ पे नीचे बेस 10 सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखा होगा। इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न है कि बुक्स पे जो आपका गिवन लॉग है उसकी अंडरस्टूड है कि बेस 10 है, ठीक है। अदर देन बेस 10 जो है वो लॉगरिथमिक टेबल कंस्ट्रक्शन उसकी नहीं हुई, तो इसलिए वो आपको इसी तरह से, अगर बेस अदर देन 10 होगी तो फिर वो मेंशन करेंगे, वरना इसी तरह से लिख दिया जाता है कि लॉग ऑफ क्या होगा, लेट्स सपोज इट इज अंडरस्टूड दैट इट्स बेस वुड बी द 10, ओके। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ी एग्जांपल्स से देखते हैं, ठीक है, तो नजर आ रहा है।
थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं। एक साइड पे मैं मेंशन कर लेती हूँ अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एक साइड पे लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मैं एक्सप्रेशन लिख लेती हूँ ax इज इक्वल टू वाई, और लॉगरिथमिक में ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज आपकी बुक में एक एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल है फाइंड लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3। ठीक है, तो अगर इसको लिखा जाए तो लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा? तो मैंने आपको लॉग के बारे में क्या बताया था कि लॉग आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि 3 को, अब आपने गौर से सुनना है कि 3 को टू विच पावर आई शुड रेस टू गेट द 27। ठीक है, 3 नंबर 3 को आप किस पार तक रेस करें कि आपको 27 मिले। ठीक है, अब इस जो फॉर्म है, ये फॉर्म अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप देखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 एज ए बेस आता है, क्योंकि यहाँ पे ये बेस है तो यहाँ पे भी ये बेस होगा। एक्स हमने फाइंड आउट करना है, तो इट मीन्स कि ये हिडन है या अननोन है भी। ठीक है, और वाई जो है वो हमें 27 है। अब देखिए आप इन दोनों को, अगर मैं इसी को इसमें लिखूंगी तो मैं लिखूंगी लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, और अब इसे मैंने कन्वर्ट करके किस में लिखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये बना है 3 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 27। अब मुझे क्यों इसको इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ी है? मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि मेरे पास लॉग ऑफ लॉग विद बेस 3 अवेलेबल नहीं है। टेबल जो है लॉग विद बेस 3 मुझे अवेलेबल नहीं है, तो मेरा काम लॉगरिथमिक फॉर्म में नहीं हो सकता, तो मैंने किसकी मदद ली है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मेरा काम इसीलिए हो सकता है क्योंकि 3 रेज टू पावर एक्स, और अगर इसको भी मैं लिख सकती हूँ 3 रेज टू पावर 3। ठीक है, 3 आप जानते हैं 3 × 3 9 × 3 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो इसलिए अगर बेसिस सेम हो जाए तो ऑटोमेटिकली उनके जो पार्ट्स होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे एक्स का आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और वैसे भी ये शो हो रहा है कि अगर 3 को 3 पार तक रेस किया जाए तो आपका आंसर 27 होगा। तो यहाँ पे आपके लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3 का आंसर क्या आ गया, 3। कि अगर हम 3 को, इफ वी रेस द नंबर 3 टू द पार 3, वी गेट द नंबर 27। ओके, ठीक हो गया। और ये मेरा काम से हुआ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। लेट्स सपोज अब आप नेक्स्ट, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, दैट इज नॉट मेंशन इन योर बुक बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। ओके, लेट्स सपोज के वी राइट सम एग्जांपल, 10 टू रेज पावर एक्स इज इक्वल टू 2। ये आपको मैंने एग्जाम्पल दी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने लिखी है इसकी। ठीक है, इसमें मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मैं 10 को किस पार तक रेस करूँ कि मुझे आंसर 2 मिले। अब आप लोग देख सकते हैं कि 2 नंबर को किस तरह ब्रेक करके 10 को बेस बनाया जा सकता है, जिस तरह से मैंने यहाँ किया कि मैंने 27 को 3 बेस में लिख लिया। लेकिन अब कोई भी ऐसा मेथड पॉसिबल नहीं है कि मैं 2 को 10 की बेस बना सकूं, यानी कि 2 को किसी भी फैक्टराइजेशन के थ्रू किसी तरह से भी कन्वर्ट कर सकूं कि मैं 10 को बेस लेते हुए 2 तक पहुंच सकूं। ठीक है, तो अब ये मसला मेरा कौन हल करेगा, अब ये मेरा मसला लॉगरिथमिक फॉर्म हल करेगा।
जब मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में आऊंगी तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ टू टू द बेस 10 इज इक्वल टू एक्स, ये एक्सप्रेशन यहाँ आके बन जाएगा, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कहाँ पे आ जाएगा, लॉगरिथमिक फॉर्म में आ जाएगा। जब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में आ जाएगा और मैं इसका आंसर फाइंड आउट करूँगी तो मुझे इसका आंसर 0.3 मिल जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा, 0.3। अगर आप चाहें तो आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं कि 10^0.3 का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। वो आपको 2 का नंबर शो करेगा, ठीक है। अब ये देखें कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता था, तो उसे मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ मेरा प्रॉब्लम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट से सॉल्व नहीं हो सकता था, तो मैंने उसे किस में कन्वर्ट कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक हो गया। तो दीज फॉर्म्स आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस बिकॉज दीज आर इंटरकन्वर्टेबल एंड विच प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व विद एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट कैन बी सॉल्व विद लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। एंड द प्रॉब्लम्स विच कैन नॉट बी सॉल्व विद लॉगरिथमिक फॉर्म, देन वी कन्वर्ट दैम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो जब हम ये, अब आप लोगों के लिए ये चीज़ हिडन है, ये पॉइंट हिडन है कि मैम ने कह दिया है कि लॉग ऑफ टू टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0.3 है, ठीक है। यानी ये शो कर रहा है कि 10 को अगर मैं 0.3 तक रेज करूं तो ये मुझे आंसर 2 देता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों के लिए अभी हिडन है, तो ये बात आप लोगों को जो है वो समझाने के लिए आपको लॉगरिथम का मेथड आना चाहिए कि हम हाउ टू फाइंड लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। फिर आप लॉगरिथम ऑफ टू टू द बेस 10 फाइंड आउट करेंगे तो आपके वो ये ऑब्वियस हो जाएगा। तो इस पर्पस के लिए हमें लॉगरिथम का मेथड आना चाहिए कि हम लॉगरिथम को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट, अब हम जो है एक कॉपी लगता खत्म हो जानी है, ठीक है। नेक्स्ट अब जो है, अब हम